हेलो एवरीवन, आप लोगों को अगर हम लोगों का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हमारा वीडियो है, हम लोग तिरुपति से कोलकाता कैसे लौटे एयरपोर्ट के थ्रू, वही हम लोग शेयर किए हैं। तो बहुत लोगों को एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि तिरुपति में एक एयरपोर्ट है, तो उसको मतलब अगर पता चले कि तिरुपति में भी एक एयरपोर्ट है, इसलिए हमने ये वीडियो शेयर किया है। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हो, हम लोग अपने घर से जहाँ पे हम रहते थे तिरुपति में श्रीकालाहस्ती, वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा इलाका एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये है एयरपोर्ट जैसे आप देख पा रहे हो, हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो रास्ता बहुत ही सुंदर है, ये हाईवे है, तो हम बहुत जल्द पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट में, दिक्कत नहीं होता है पहाड़ देखते देखते। तो यह है एयरपोर्ट के रास्ता, जैसे आप देख सकते हो बहुत सुंदर सजा हुआ है और बहुत ही क्लीन है। अभी हम आ गए तिरुपति एयरपोर्ट के अंदर, हमारा सिक्योरिटी चेक इन बैग ड्रॉप सब हो गया। तो वो है रामराज, जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना शॉप, अगर आपको टाइम मिले तो वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। हम लोग लास्ट वीडियो में बताए थे कि एक धोती और शर्ट मिलता है ना स्पेशल तिरुपति में, वो आप ख़रीद सकते हो, हमने भी ख़रीदे हैं बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है वो। यहाँ पर हम लोग का प्लेन लैंड और फ्लाई करता है, जैसे आप देखते हो वो भी पहाड़ों के बीच में ही है, तो बहुत सुंदर लगता है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। उस दिन उतना क्राउड नहीं था क्योंकि वीकडे था, तो हमने बहुत अच्छे से वीडियो कर पाए। ये ऊपर से मैं वीडियो ली हूँ जहाँ पे सब वेटिंग एरिया, सिक्योरिटी चेक इन, बैगेज ड्रॉप होता है, उसके बाद हमने ऊपर आ गए जहाँ पे हमारा गेट था वहाँ पे वेट करने के लिए। आप लोग अगर टाइम मिले तो स्नैक्स भी ले सकते हो, वहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे चिकन नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को वेज आइटम या फिर एक मिलेगा। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वो बहुत बड़ा सा पंखा है, जो साउथ में एक स्पेशलिटी है। मैं भी जब पहली बार देखी थी बहुत हैरान हुई थी देखने में कैसा लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मतलब हवा तो बहुत अच्छा आता है ये बड़ा वाला पंखा से, और बहुत एरिया कवर होता है एक्चुअली। तो जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम लोग एक्चुअली फ़्लाइट के लिए जब जाते हैं यहाँ से ही पास करना पड़ता है ये एरिया से। तिरुपति से एक्चुअली दिल्ली या कोलकाता का डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलता, हैदराबाद या बेंगलुरु तक मिल जाता है। तो अगर आपको कोलकाता या दिल्ली पे आना है तो आपको वाया ही आना पड़ेगा, आइदर एक प्लेन में जाना पड़ेगा जो एक सिटी से होके वाया आएगा, जहाँ पे आपको प्लेन पे ही रुकना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्लेन चेंज करना पड़ेगा। आपका लगेज थ्रू हो जाता है अगर वो मतलब सेम ब्रांड का ही फ़्लाइट होता है, जैसे हम लोगों का इंडिगो था तो वो लगेज थ्रू हो गया था, लेकिन हम लोगों को फ़्लाइट चेंज करना पड़ा था। हम लोग हैदराबाद से आए एक्चुअली, तो ज़्यादातर मैं जब आई या ट्रैवल की मुझे हैदराबाद ही मिला है, तो उसका भी वीडियो हमने शेयर किया, आप देखिए हम लोगों के साथ में रहिए। वो भी बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है और वहाँ पे बहुत कुछ फैसिलिटीज़ है। तो ये है तिरुपति एयरपोर्ट, जैसे आप देख पा रहे हो हम लोग बोर्डिंग कर लिए। हम लोग अभी पहुँच गए हैं हैदराबाद, तो यहाँ पे भी हमारा सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा शॉप्स है जहाँ पे आप वेट कर सकते हो, खा सकते हो, लाउंज एक्सेस भी होगा आप लोगों का, सारा ब्रांडेड वाला शॉप भी मिलेगा यहाँ पे आपको, और बहुत सारा फूड ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट में मिलता है आपको कोलकाता या फिर बड़े बड़े सिटी में सब कुछ मिलेगा। ये आप देख रहे हो जो गाड़ी रहता है, अगर कोई मतलब ओल्ड कोई रहता है या फिर कोई बच्चा रहता है, वो आप लोगों को हेल्प कर देता है, एयरपोर्ट भरा है इसलिए ट्रैवल करने के लिए।
हैदराबाद से अभी हम पहुंच गए हैं कोलकाता, फाइनली द सिटी ऑफ जॉय। अभी हम अराइवल से जा रहे हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे हम लोगों को अपना बैगेज मिलेगा, जो हमने एकदम फर्स्ट में तिरुपति से चेक इन किए हैं, वो हैदराबाद के थ्रू होके एकदम हम लोगों को कोलकाता में आके रिसीव करना पड़ेगा। कोलकाता भी बहुत सुंदर सजा हुआ है अपना कल्चर और फेस्टिवल रिलेटेड थीम में। जैसे आप देख पा रहे हो, हमारे सबसे बंगाली लोगों का बिगेस्ट फेस्टिवल दुर्गा प्रतिमा यहाँ पे रखा हुआ है। तो बस इतना ही आज के लिए, हम लोग कोलकाता पहुँच गए। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।